Fine. So we are starting with a very new topic which you have in your syllabus that is LR, Logical Reasoning. Give the heading Logical Reasoning. Before starting with any chapter, there are two important concepts which we need to understand while studying LR. Number one and number two. Number one is

हो सकता है आज हम लोग जो सम्स करेंगे उसमें ऑर्डर उतना मैटर नहीं करेगा बट वेन वी डू अरेट का सम और एडवांस लेवल सम वहां पर ऑर्डर बहुत मैटर करेगा ठीक है तो कोई भी सम आप पढ़ोगे उसको आपको अंडरस्टैंड तो करना ही है कि लैंग्वेज बोलना क्या चाहता है एंड सेकेंडली ऑर्डर एंड लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप जितना भी सम कर लो जितना भी सम कर लो जब आप कोई दूसरा तीसरा सम देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सम तो कुछ नया है क्योंकि पैटर्न तो एंड नंबर ऑफ पैटर्न बन सकते हैं ना आज अगर मैं बोलूंगा होल नंबर तो होल नंबर का पैटर्न तो कुछ भी बन सकता है स्क्वायर का पैटर्न बहुत सारा बन सकता है क्यूब का पैटर्न बहुत सारा बन सकता है देर आर एंड नंबर ऑफ पैटर्न विच कैन बी फॉलोड तो हम लोग मोस्ट यूज पैटर्न फॉलो कर रहे क्लास में इसके अलावा और भी सम सम लोग करेंगे तो मोटा मोटी मोर देन 90 परसेंट पैटर्न हम लोग कवर कर लेंगे फिर भी आप रेगुलरली प्रैक्टिस करिएगा और यहाँ पर रटा मारने का कुछ भी नहीं है नाम से समझ में आना चाहिए लॉजिकल मतलब सब कुछ डायरेक्टली कनेक्शन है आप कितना अच्छा अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं क्लास एट नाइन टेन तक सभी ने मैथ्स पढ़ा होगा वो एट नाइन टेन के बेसिस पे ही हम लोग को लॉजिक लगाना है तो आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज सबसे पहले हम लोग चालू कर रहे हैं नंबर सीरीज से एंड देन नेक्स्ट वी विल डू कोडिंग डिकोडिंग एंड लास्ट में ऑड मैन आउट ठीक है तो हम लोग सबसे पहला चालू कर रहे हैं नंबर सीरीज नेचुरल नंबर सबको पता है इट्स अ होल एंड नॉन नेगेटिव नंबर इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन ठीक है प्राइम नंबर जो वन से बड़ा होता है एंड द नंबर इज डिविजिबल बाई सेल्फ ओनली ठीक है वो नंबर सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होता है जैसे पहला जो प्राइम नंबर है वो टू है उसके बाद थ्री फाइव सेवन इलेवन नेक्स्ट वी से डिवाइड नहीं हो सकता है उसके बाद है इवन नंबर जो टू से डिवाइड हो सकता है ठीक है नाउ व्हाट इज सीक्वेंस यूनिट टू नोट डाउन वॉट इज सिक्वेंस सिक्वेंस का मतलब होता है अरेन्जमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अरेजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर मल्टीपल ऑफ टू हो गया मल्टीपल ऑफ थ्री हो गया मल्टीपल ऑफ फोर हो गया या एक पांच नौ ऐसे हो गया तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सम ऑर्डर एंड जब हम लोग टर्म्स ऑफ द सीरीज को प्लस साइन के साथ लिखते हैं वो सीक्वेंस क्या बन जाता है सीरीज वो सीक्वेंस क्या बन जाता है सीरीज तो सीक्वेंस और सीरीज में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है जब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई लिख रहे हो ये क्या हो गया सीक्वेंस ये क्या हो गया सीक्वेंस और जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई लिख रहे हो ये बन जाता है सीरीज अ सीरीज इज ऑपटेन बाय एडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ अ अ सीक्वेंस सीरीज इज एडेड बाय एडेडिंग ऑल द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस तो आपको ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कि सीरीज दिया हुआ है ठीक है जनरली हम लोग टी को बोलते हैं जनरल टर्म टीएन को बोला जाता है जनरल टर्म दैट इज द एनेट टर्म और एस एन को बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स टी एन इज जनरल टर्म एंड एस एन को बोला जाता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तो अगर एस फोर है एस फोर का मतलब होता है टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर तो एस फोर का मतलब क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स ठीक है फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल होता है इनफाइनाइट मतलब जो काउंटेबल नहीं है इंफिनिटी तक जो जा रहा है ठीक है प्रोग्रेशन अभी आपको यही समझना है एपीजीपी अभी आपको क्या समझना है एपीजीपी एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर इक्वल एपी लिखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी लिखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जहां पर कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज टी टू माइनस टी वन is equals to T3 minus T2 is equals to T4 minus T3 and so on. In AP, the difference between the term and its previous term is a constant quantity. In AP, the difference between the term and its previous term इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी जब दोनों टर्म के बीच का डिफ्रेंस सेम हो उसको हम लोग ए पी सीरीज बोलते हैं ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और यही अगर मैं बोलूँ की रेशियो तो वो जी पी हो जाता है यही अगर मैं बोलूँ रेशियो कॉमन रेशियो तो वो क्या हो जाएगा वो जोमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाएगा

बट स्टिल रनिंग नोट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ चीज है जो आपके हैंडराइटिंग में लिखा होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब रेशियो बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज इक्वल ठीक है तो मैं अभी दो एग्जाम्पल लिखूंगा आपको बताना है कौन सा एपी है और कौन सा जीपी है चलिए बताइए मैंने यहां पर दो एग्जाम्पल लिखा है एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू कौन सा एपी है कौन सा जीपी है से पहला एपी है दूसरा जीपी है पहला एपी है दूसरा जीपी है तो हम लोगों क्या चेक करना है डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस थ्री थ्री का डिफरेंस है तो ये एपी हुआ जिसका कॉमन डिफरेंस इज थ्री और ये जीपी हुआ जिसका कॉमन रेशियो इज फोर सर डी का फॉर्मूला क्या है एनी टर्म माइनस एक्स प्रीसीडिंग टर्म और यही अगर मैं आर का फॉर्मूला आपसे पूछू तो एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स प्रीसीडिंग टर्म D may be positive or negative. D may be positive or negative. If D is zero, then the given series is a constant series if d is 0 then the given series is a constant series example 3 6 comma 6 comma 6 comma 6 comma if d is 0 then the given series is a constant series

तो जो सीरीज होगा वो कांस्टेंट सीरीज होगा इसको हम लोग उल्टा भी सीख सकते हैं कि एक कांस्टेंट सीरीज का कॉमन डिफरेंस जीरो होता है और कॉमन रेशियो वन होता है ठीक है मोर देन वन रूल कैन बी used. ठीक है इसको परफेक्ट स्क्वायर सीरीज बोलेंगे नोट डाउन परफेक्ट स्क्वायर सीरीज परफेक्ट क्यूब सीरीज परफेक्ट स्क्वायर सीरीज परफेक्ट क्यूब सीरीज परफेक्ट स्क्वायर सीरीज परफेक्ट क्यूब सीरीज तो पहले तेईस का स्क्वायर आ रहा है फिर चौबीस का स्क्वायर आ रहा है फिर पच्चीस का स्क्वायर आ रहा है फिर छब्बीस का स्क्वायर आ रहा है तो नेक्स्ट क्या होगा 27 का स्क्वायर पहले सिक्स का क्यूब आ रहा है फिर सेवन का क्यूब आ रहा है फिर एट का क्यूब आ रहा है फिर नाइन का क्यूब आ रहा है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा टेन का क्यूब इसका मतलब जब भी आप थोड़ा सा फ्री हो आपको क्या कोशिश करना चाहिए वन से फिफ्टी तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब यू शुड प्रैक्टिस ताकि इस टाइप का सम्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर सीरीज है और कौन सा परफेक्ट क्यूब सीरीज है और ऐसे भी 1 से 50 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब हमको याद होना चाहिए ताकि एमसीक्यू टाइप के सम में टाइम कम लगता है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जैसे स्टैटिस्टिक्स का भी बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम रहेगा जहां पर आपको एक्स स्क्वायर निकालने का जरूरत पड़ता है तो दिस विल हेल्प यू अब आप बोलेंगे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर अपने जगह पर है मेंटल कैलकुलेशन अपने जगह पर है टाइम मैनेजमेंट इज अ की इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा उसके अंदर में आपको सारा सम्स कंप्लीट करना है and you see it's मिक्सड बैग ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स भी है एल आर भी है डी आई भी है stats भी है उसमें तो एक single subject होता है तो time management उतना की फैक्टर रोल प्ले नहीं करता है बट जहां पर इतने मल्टीपल सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट का अपना अपना खुद का क्रैक्स होता है वहां पर टाइम मैनेजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पर आप निकालेंगे वन से लेकर के टेन तक का तीनों ही जगह पर Some of the first n natural numbers, some of the first, some of the squares of the first n natural numbers, some of the cubes of the first n natural numbers. I have given a 10 tak ka example. in the first case, mein, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू है तो टेन इंटू टेन प्लस वन बाई टू इट बिकम्स फिफ्टी फाइव वैसे ही आप पॉइंट टू एंड थ्री में पुट करिए ये पहला केस है ये दूसरा केस है और ये तीसरा केस है मैं भी कुछ देर पहले ही बोल रहा था वन से फिफ्टी तक का स्क्वायर। खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको अगर आप देख देख के लिखेंगे तो नहीं ये आपके मेंटल कैलकुलेशन को भी बेहतर बह बनाएगा मेंटल कैलकुलेशन को भी अच्छा बनाएगा वन से फिफ्टी तक का स्क्वायर कंप्लीट करिए जितना आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे जब आप सॉल्व करने बैठेंगे आप देखेंगे अरे ये तो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है तो योर बेसिक शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग सर सेकेंड वाले का, think, 385 होगा अभी देख लेते अपने 10 इंटू इलेवन इंटू ट्वेंटी थ्री फाइव है सर हाँ, राइट right है, right है पहला वाला का 55 है दूसरा वाला का आंसर 385 है तीसरा वाला करो 3025, 3025, टू yes. 3025. दो चीज और लिख लो सम ऑफ़ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स एन स्क्वायर, सम ऑफ द फर्स्ट एन इवेन नंबर्स एन स्क्वायर प्लस एन सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स सम ऑफ द फर्स्ट एन इवेंट नंबर्स एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस एन कोई घर पे वन से फिफ्टी तक का स्क्वायर खुद से बिना कैलकुलेटर के हेल्प से मेंटली कैलकुलेट करेगा और फिर नोटिफाई करेगा मेरा हो गया है वन से फिफ्टी तक का स्क्वायर और वन से ट्वेंटी तक का क्यूब इज दैट क्लियर सर पचास तक उतना हाँ याद नहीं होता सर ट्वेंटी फाइव तक भले ही हो जा सकता है नहीं तो यही तो प्रैक्टिस करना है ना तुमको यही तो प्रैक्टिस करना है अब देखो एग्जाम में अगर मान लो तुमको ये सीरीज दे देगा टू जीरो टू फाइव कॉमा टू डबल वन सिक्स कॉमा टू टू जीरो नाइन कॉमा टू थ्री जीरो फोर कॉमा चार चौबीस अब तुम खुद सोचो ना तुमको फिर कैसे समझ में आएगा कि ये किस टाइप का सीरीज है इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक yes, सर... है यस सर ट्राई करता है पच्चीस तीस तक तो याद है सर उसके बाद अब थोड़ा नहीं तो उसके आगे, आगे तो मेहनत करना है ना अभी तुम लोग बड़े हो गए ना हाँ ये बात तो आप है वन से ट्वेंटी तक का क्यूब ठीक है अब देखिए हाउ टू सॉल्व अ नंबर सीरीज प्रॉब्लम िस थ्री आर द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व नंबर सीरीज प्रॉब्लम हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर सीरीज सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करो दूसरा क्या बोला है लॉजिक निकालो और तीसरा क्या बोल रहा है उसी लॉजिक से मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर निकालने का कोशिश करो ठीक है अब हम लोग को बहुत बार क्या करना पड़ता है डिफरेंस निकालना पड़ता है आप लोग कोई भी एक पैटर्न बोलिए जैसे मान लीजिए हम लोग लिए थे वन फोर सेवन टेन थर्टीन इसके बाद में क्वेश्चन मार्क था तो आपको क्या करना है यहां पर एफओ डी निकालना है एफओडी का फुल फॉर्म क्या हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फोर माइनस वन कितना हो रहा है प्लस 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 तो ये कितना हो जाएगा सोलह होगा ना एक्सट्रीम तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक ये हम लोग का पहला टेक्निक है हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं एफ करते हैं अगर एफ से भी नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस से आंसर नहीं आएगा तो हम लोग कोशिश करके क्या निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकालेंगे जैसे यहां पर मेरे को समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस थ्री का है तो मेरे को एसओडी निकालने का जरूरत नहीं है बट ऐसे सम्स रहेंगे जहां पर आपको एसओडी भी निकालना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर हम लोग वही कर रहे हैं यहां पर हम लोग टाइप पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या टाइप का पैटर्न एग्जाम में पूछ सकता है तो सबसे पहला पैटर्न क्या है सबसे पहला पैटर्न क्या है प्राइम नंबर हा या ना यस yes, सर अब दो प्राइम नंबर है तीन भी प्राइम नंबर है पांच भी प्राइम नंबर है सेवन भी प्राइम नंबर है तो सेवन के बाद इलेवन आता है हा या ना यस yes, सर तो आंसर क्या हो जाएगा इलेवन सीरियल नंबर वन क्लियर है सभी को यस और नो यस सर तो मैंने अभी आपको यहां क्या लिखाया था नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर तीन पॉइंट लिखाए थे ना यहां देखिए आप सीरियल नंबर वन सीरियल नंबर सिक्स और सीरियल नंबर नाइन एक साथ पढ़िए और फिर मेरे को बताइए कि आपको क्या कंफ्यूजन है सीरियल नंबर वन सिक्स और नाइन अच्छे से पढ़िए और बताइए क्लियर है येस और नो एक नॉर्मल सीरीज है एक स्क्वायर है एक क्यूब है क्या हम लोग वन सिक्स नाइन से आगे बढ़ सकते हैं जवाब दीजिए। yes, बढ़ सकते हैं उसी तरीके से आप दो नंबर सात नंबर और दस नंबर देखिए वन इज अ ऑट नंबर बट इट्स नॉट अ प्राइम नंबर तो ऐसे समझ में आएगा आपको प्राइम नंबर है या नहीं है सिमिलरली तीन नंबर आठ नंबर और ग्यारह नंबर जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ऑब्जर्व करिएगा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही ऑब्जर्व करिएगा yes, पक्का चलिए चार नंबर पांच नंबर हम लोग ऑलरेडी एग्जाम्पल में देख चुके परफेक्ट स्क्वायर सीरीज और क्यूब सीरीज वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर तो ये मेरा क्या हो गया है फाइव का स्क्वायर वन का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब फोर का क्यूब ये मेरा क्या हो जाएगा फाइव का क्यूब एक से ग्यारह नंबर तक क्लियर है यस yes, सर। अब, अब हम लोग सिंगल से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब अभी तक क्या आ रहा था प्राइम नंबर ऑड नंबर और, और स्क्वायर क्यूब यही आ रहा था अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन है ट्वेंटी थ्री थर्टी फाइव फिफ्टी सेवन अब बच्चा क्या करेगा बच्चा एफ ओडी निकालेगा एफओडी निकालेगा तो मैच नहीं करेगा एसओडी निकालेगा तो भी मैच नहीं करेगा बट देख के समझ में आ रहा है कि दो और तीन क्या है प्राइम नंबर तीन और पांच क्या है प्राइम नंबर पांच और सात क्या है प्राइम नंबर सात के बाद ग्यारह आया है इस तरीके से समझ में आएगा कि दो दो प्राइम नंबर जोड़ के सीरीज बनाए जो टर्म्स ऑफ द सीरीज है वो दो दो प्राइम नंबर जोड़ के बनाए मतलब देयर मे बी अ सीरीज जहां पर दो टर्म को अटैच कर दिया अटैच प्लस माइनस नहीं इनटू डिवाइड नहीं वो अलग है अगर आप देखोगे यहां पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लगे हैं सिंपली टर्म्स को ज्वाइन किया है सिंपली टर्म्स को ज्वाइन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है यह बात समझना यहां पर ना ही प्लस ना ही माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड सिंपली टर्म्स को ज्वाइन करके पैटर्न बना दिया है अभी तक एक से ग्यारह में जो कर रहे थे वो बेसिक पैटर्न था ग्यारह से सत्रह में बारह से सत्रह में बेसिक पैटर्न को ही थोड़ा सा एडवांस पैटर्न बनाया गया है टर्म्स को ज्वाइन करके टर्म्स वही है प्राइम नंबर इवन नंबर और ऑड नंबर ठीक है तो मैं 12 से 17 को मान रहा हूं आपका हो गया है। कोई दिक्कत कोई डाउट बारह से सत्रह में नो सौ नो, चलिए अगर मैं स्पीड जा रहा होगा तो बोलिएगा मेरे को अठारह नंबर में भी सेम है अब उन्नीस से लेकर के 19 से लेकर के 28 तक में मैथमेटिकल ऑपरेशन हुए जैसे 5, 8, 12, 18, 24 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकालो तीन आएगा चार आएगा फिर छ आएगा फिर छह आएगा तो बात नहीं बनाना एफओडी निकालो ना पांच के बाद आठ आ रहा है तो डिफरेंस कितना हुआ थ्री का आठ के बाद बारह आ रहा है डिफरेंस हुआ फोर का बारह के बाद अठारह डिफरेंस हुआ छ का फिर चौबीस आ रहा है डिफरेंस हुआ छ का तो नहीं बन रहा है बात नहीं बन रहा है से बात नहीं बन रहा है ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये इवेन नंबर है ना ही ये ऑर्ड नंबर है तो क्या कर सकते हैं सर इसमें तो यहां पर आपको पता रखना पड़ेगा कि दो दो टर्म्स को ज्वाइन करके भी सीरीज बनता है जैसे यहां जो मेरा सीक्वेंस है वो प्राइम नंबर का सीक्वेंस है टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री अब तुमको देखना है दो और तीन कितना होता है पांच, तीन और पांच कितना होता है आठ पांच और सात कितना होता है बारह सात और ग्यारह कितना होता है अठारह ग्यारह और तेरह कितना होता है चौबीस तेरह और सत्रह तीस सत्रह और उनतीस छत्तीस उसके बाद फोर्टी टू तो कॉन्जिक्यूटिव वाला अप्रोच क्लियर करो यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं अब एक बहुत ही जेन्यन सा सवाल है सर कैसे होगा जैसे अभी किसी बच्चे ने बोला एक से पच्चीस तीस तक तो याद है पचास तक तो याद नहीं रख सकते सिर्फ एक ही चीज थोड़ी है जीवन में और भी बहुत सारी चीजें जीवन में जो हमें याद रखना पड़ता है तो इसको याद नहीं रखना है इसको याद नहीं रखना है बचपन से लेकर आज तक हम जो भी चीज अभी भी करते आ रहे हमको कोई एक बार या दो बार ही सिखाया उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करते आए हैं इसलिए हम आज भी उस चीज को कर पा रहे हैं तो आपको भी वही करना है आज मैं फर्स्ट टाइम करा रहा हूं तो आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ठीक है आज मैं अभी अगर मैं वापस से इस टाइप का सम दे दू तो आप कर लोगे लेकिन यही चार घंटा बाद आप नहीं कर पाओगे तब तक आप भूल जाओगे कि ऐसा भी कोई पैटर्न होता है फिर आप रिवाइज करोगे तो दो तीन बार ऐसे अगर रिवाइज करके अपने तीन चार बार इस टाइप का प्रॉब्लम कर ले तो हो जाएगा दो से तीन बार मैक्सिमम किसी भी सम्स को अगर आप तीन बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो सम्स का पैटर्न और लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाता है ठीक है तो देख लीजिए 19 से 28 में पहले दो प्रोडक्ट भी है टू इंटू थ्री थ्री इंटू फाइव जैसे प्लस है जैसे यहां पर ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस का यूज हुआ है यहां पर इनटू यूज हुआ है अब जैसे यहां पर अगर आप रेशियो निकालोगे 21 के लिए लिखिए 21 22 सीरियल नंबर के लिए लिखिए रेशियो विल बी इन प्राइम नंबर 21 और 22 में रेशियो विल बी इन प्राइम नंबर रेशियो विल बी इन प्राइम नंबर फोर बाई टू करो टू आएगा ट्वेल्व बाई फोर करो थ्री आएगा सिक्सटी बाई ट्वेल्व करो फाइव आएगा फोर ट्वेंटी बाई सिक्सटी करो सेवन आएगा तो जो रेशियो है वो प्राइम नंबर में है जैसे ये प्लस इंटू ना ये डिवाइड का है हाँ आगे वही दिया हुआ है जो चीज आप प्राइम नंबर के लिए सीख रहे हो वही सेम चीज ऑड नंबर का भी हो सकता है इवेंट नंबर का भी हो सकता है स्क्वायर का भी हो सकता है क्यूब का भी हो सकता है जैसे मेरे को आप वन से टेन तक का स्क्वायर बताइए वन से टेन तक का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर हंड्रेड तो सीरीज क्या बन सकता है फोर्टीन कॉमा फोर्टी नाइन कॉमा नाइन हंड्रेड सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव हाँ एटी वन आएगा ठीक है ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स कॉमा थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन कॉमा क्वेश्चन मार्क बताओ क्या आना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह फोर्टी नाइन और सिक्सटी फोर ये मेरा आंसर हो जाएगा ये एक पैटर्न आप तुम इसको किसी भी चीज के साथ अप्लाई कर सकता है ठीक है आप बोलेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा 21 से 28 मैं आपको एक मिनट का समय दे रहा हूं फिर से देख लीजिए बोलिए कोई भी सीरियल नंबर में प्रॉब्लम हो तो पूछिए इफ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी सीरियल नंबर प्लीज आस्क क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सर हाँ तो यहां पर आपका पहला दो टर्म सेम है तो यहां पर रेशियो वन का हो गया फिर यहां पर अगर डिवाइड करेंगे तो रेशियो थ्री का आएगा फिर यहां पर आप डिवाइड करिए रेशियो फाइव का आएगा यहां पर रेशियो है वन वन बाई थ्री वन बाई फाइव ऐसे तो नेक्स्ट वाला वन बाई सेवन होगा जैसे ये यहां पर क्या हो रहा है जो मिडिल डिजिट है इट इज कमिंग विथ रेफरेंस टू फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट जैसे बोल रहा है कि एड करके आ रहा है मल्टीप्लाई करके आ रहा है ये मिडिल डिजिट के लिए है ना तो ये फर्स्ट डिजिट के लिए भी हो सकता है जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं अगर मैं टू फोर सिक्स लिख रहा हूं आप बोल सकते हो कि थर्ड प्लेस इज टू प्लस फोर अगर मैं टू सिक्सटी फोर लिख रहा हूं तो सेकेंड प्लेस इज टू प्लस फोर अगर मैं सिक्स फोर्टी टू लिख रहा हूं तो क्या बोल सकते हो टू प्लस फोर तो यहां पर जो एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू मिडिल डिजिट बट एग्जाम में यह चीज फर्स्ट भी हो सकता है थर्ड भी हो सकता है एंड ये थ्री डिजिट का है ना इट्स अ थ्री डिजिटेड नंबर इट्स अ थ्री डिजिटेड नंबर तीस क्लियर है। इकतीस में क्या है सबका सम एक ही है टू प्लस सिक्स प्लस थ्री इलेवन फोर प्लस सिक्स प्लस वन इलेवन जैसे गाड़ी का नंबर होता है ना लोग बोलते हैं एंड का जो चार डिजिट हमको इलेवन चाहिए अब इलेवन का बहुत सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है ट्रिपल टू थ्री टू थ्री टू टू ट्रिपल थ्री टू कुछ भी हो सकता है तो यहां पर सम ऑफ द डिजिट इज 11. अब आपको एफ का मतलब समझ में आएगा यहां पर आप एफओ निकालेंगे तभी आपको यह पैटर्न क्लियर होगा ये जितना भी समय ना सब एफ का है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ऑल द सब इकतीस के बाद से जितना भी प्रॉब्लम है this is of fod till 38 please note down 31 32 se lekar 38 we should first we should first calculate fod शुड फर्स्ट कैलकुलेट एफ ओ डी जब नंबर बहुत पास पास में हो ना या बहुत दूर दूर हो तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस या फर्स्ट ऑर्डर रेशियो निकालो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो गैप है वो वन का है फिर थ्री का हो गया फिर फाइव का फिर सेवन का तो फिर अब किसका होगा नाइन का टू सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी दो के बाद छे तो ये वाला जो सम है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का हो गया ये वाला जो सम है ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का हो गया ये वाला भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस का हो गया जहां पर डायरेक्टली आपको पैटर्न डिस्कस करने में दिक्कत हो सकता है मैंने यहां ऑलरेडी समझाया है आपको तो फिर से ये वाले सम्स के हेल्प से समझा दे रहा हूं आपको इट्स फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी एट सेवेंटी नाइनटी इट्स फिफ्टी फिफ्टी टू फिफ्टी एट सेवेंटी एंड 90 तो प्लस टू प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है यहां पर फोर का डिफरेंस है यहां पर सिक्स का डिफरेंस है यहां पर एट का डिफरेंस है उस हिसाब से तो यहां पर प्लस टेन होना चाहिए प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट प्लस टेन तो ये थर्टी हो जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा वन ट्वेंटी तो कुछ कुछ सम्स ऐसा है जिसपे क्लैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस चाहिए सब लिखिए सब रनिंग नोट्स लिखिए There are certain problems. There are certain problems where we need to calculate SOD, second order difference. This FOD. difference prime number square? ये सब आपको एफ से समझ में आ जाएगा और जहां आपको एफओडी से क्लियर नहीं हो वहां आपको एसओडी निकालना है लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है 44 वाला कोई मेरे को समझा सकता है क्यों 44 वाला इंटरेस्टिंग क्यों है वाई वाई एम कॉलिंग इट इंटरेस्टिंग क्योंकि 44 में जो एफ आएगा दैट इट्स सेल्फ इज अ क्वेश्चन अभी आप लोग करके आए हैं टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर इलेवन स्क्वायर इट वाज़ अ पैटर्न एग्जांपल सिक्स में स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर तो यहां पर एफओडी क्या है स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर सीरीज स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर सीरीज मतलब आप जो सम नंबर वन कर रहे हैं वो हो सकता है सम नंबर टू का एफओडी हो जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा दो सम सॉल्व करना है एफओडी को पैटर्न जज करना है टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर इलेवन स्क्वायर पैटर्न इल्फ इज अ क्वेश्चन तो दो सम सॉल्व करना है उसमें एफओडी को अलग सम पकड़ के सॉल्व करना है एंड एफओ डी जब सॉल्व हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका मेन प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा अभी तक हम लोग जो दिमाग लगा इतना जो पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर एफओडी इट सेल्फ इज अ पैटर्न एफओडी इल्फ इज अ पैटर्न एफओडी इथ सेल्फ इज अ पैटर्न नेक्स्ट सारा सम्स वैसे ही है नेक्स्ट सारा सम्स वैसे ही है प्लीज आप लोग करिए खुद से करिए जहां प्रॉब्लम आ रहा है मेरे से पूछिए इसको मिक्स सीरीज बोला जाएगा जहां पर ऑल्टरनेटिव पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑड नंबर के लिए कुछ और इवेन नंबर के लिए कुछ और इसको मिक्स सीरीज बोला जाएगा जहां पर वी आर फॉलोइंग ऑड नंबर के लिए कुछ और और इवेन नंबर के लिए कुछ और मतलब हो रहा है इंटू थ्री से ही लेकिन एक में प्लस टू हो रहा है एक में माइनस टू एक में प्लस टू हो रहा है एक में माइनस टू हो रहा है ये सब मोस्टली यूज कॉमन पैटर्नस है दिस आर 53 कॉमनली यूज पैटर्नस अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर करके हम लोग अनसॉल्व सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई नया पैटर्न डिटेक्ट होता है क्या कोई भी एक पैटर्न में दिक्कत हो रहा है अगर आपको तो आप मेरे को बोल सकते हैं मैं एसेट वाले ग्रुप में अभी पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूं अगर आप बोलेंगे हाँ हो गया है फिफ्टी थ्री तक तब हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसका हो गया मैंने पीडीएफ भेजा है ग्रुप में ये सेट वन है चलो ट्राई करो मैंने जान मुझ करके बहुत सारे ऑप्शंस गलत है मैंने सही नहीं किया है मैं देखना चाहता हूं कौन छाप रहा है कौन खुद से कर रहा है दे आर प्रॉब्लम्स वे आर ऑप्शन में डिफरेंट एंड जब बच्चा उस गलत ऑप्शन को पकड़ लेगा इसका मतलब वो समझ गया है देर आर प्रॉब्लम्स वी आर द गिवेन ऑप्शन आर रॉन्ग सबको मिला पी डी एफ येस और नो चलिए स्टार्ट करिए अगर आपका 53 थ्री एग्जाम्पल्स हो गया है स्टार्ट विथ प्रॉब्लम सेट वन एंड जहां भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछेंगे पहला वाला का आंसर क्या होगा सेट uh, टू बी सी डी क्यों नहीं होगा आंसर ए क्यों होगा सर वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये सब इवेंट नंबर्स है टू इज सोल इवेंट नंबर विच इज विच इज अ प्राइम नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑड नंबर सीरीज है या प्राइम नंबर सीरीज है वेरी गुड बट अगर आप देखोगे तो आप सबसे पहले इसको प्राइम नंबर ही मान के चलोगे ओके सर तो इट्स अ प्राइम नंबर सीरीज तो ट्वेंटी थ्री के बाद में अगर 29 नहीं होता ना ऑप्शन में तब आपका लॉजिक में बैठा देता प्लस टू प्लस फोर प्लस टू प्लस, तू, प्लस 25. ना वन पॉइंट टू का ट्वेंटी नाइन होगा सर नहीं अगर ऑप्शन अगर 29 नहीं होता नहीं, 25 पहले नहीं होता। अपने इसको प्राइम नंबर पकड़ेंगे क्योंकि तो प्राइम नंबर ही लग रहा है ना देख के तो क्लियर समझ में आ ही रहा है ये सब प्राइम नंबर्स है आपको इसका सेकेंड एंगल भी तो देखना पड़ेगा ना 1.3 पॉइंट थ्री बताइए तो मेरे को आपको एक और होमवर्क देने का मन कर रहा है वन से लेकर के हंड्रेड के बीच में जितना भी प्राइम नंबर्स है आप उसको कम से कम तीन बार लिस्ट डाउन करेंगे वन से लेकर हंड्रेड में जितना भी प्राइम नंबर्स है आप उसको लिस्ट डाउन करेंगे सर ये प्रॉब्लम थर्ड में सक्सेसिव इसमें नाइनटीन मिसिंग है क्या हम्म नाइनटीन मिसिंग है इसमें मैंने तो बोला ही आपको जो बच्चा गलती बताएगा मतलब वो बच्चा एकदम ध्यान से कर रहा है वो रट नहीं रहा है वो समझ रहा है 1.4 का बताओ फोर्टी थ्री पहले तो जो आदमी ये काम कर लेगा उसको तो क्लियर हो जाएगा ये सब प्राइम नंबर है सिवाय इसके क्योंकि ये तो नाइन का स्क्वायर है yes, sir. Yes, sir. ये। तो अभी तक हम लोग ने दो टाइप का प्रॉब्लम देखा एक फाइंड द नंबर एक फाइंड द रॉन्ग नंबर नंबर सीरीज में इस टाइप के प्रॉब्लम कॉमन है एक फाइंड द मिसिंग टर्म और एक फाइंड द रॉन्ग नंबर अ फाइंड द मिसिंग टर्म कैन बी टुवर्ड्स द एंड और इन द मिडिल एंड फाइंड द रोंग नंबर कैन बी टूवर्ड्स द एंड और इन द मिडिल तो हमेशा ये नोशन रखना गलत है कि एंड में ही होगा बीच में भी हो सकता है गलती अब मैं होमवर्क एड ऑन करते जाऊंगा वन से हंड्रेड तक जब आप प्राइम नंबर लिस्ट डाउन करोगे ना साथ में आप क्या करोगे दो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का एडिशन भी करोगे तो आपको याद हो जाएगा ये कि पांच आठ बारह जब भी ऐसा आएगा पांच आठ बारह जब भी आएगा मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा है इट इज पांच आठ बारह अठारह चौबीस तीस ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का एडिशन है ये कॉन्जिकुटिव प्राइम नंबर्स का एडिशन है तो यहां पर ऑप्शंस गलत है ना नंबर इज सिक्सटीन सिक्सटीन इट शुड बी एटीन Clear? Yes. Next.

रॉन्ग नंबर चलिए नाइन्थ तक करिए इजी है एटी नाइन हम्म ऑप्शन डी वन पॉइंट सेवन का क्या होगा ऑप्शन डी थर्टीन के बाद तो फिफ्टीन का स्क्वायर होगा ना बेटा ये प्राइम नंबर थोड़ी है प्राइम नंबर है क्या हाँ प्राइम नंबर है ठीक है अगला वाला प्राइम नंबर नहीं है इसीलिए 15 का स्क्वायर होगा टू का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्स एट टेन ट्वेल्व सिक्सटीन दैट इज वन नाइनटी सिक्स है ना यो yes, और उसके बाद क्यूब का आ जा रहा है टू का क्यूब थ्री का क्यूब फाइव का क्यूब सेवन का क्यूब तो नाइन नहीं हो सकता ये प्राइम नंबर है तो इलेवन का क्यूब होगा का 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 तो का क्यूब 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 तो ये बहुत बच्चा लोग गलती करता है नंबर और प्राइम नंबर में सर वन पॉइंट नाइन पे फोर्टीन का स्क्वायर वन सिक्स होगा फोर्टीन हाँ। का स्क्वायर होगा सॉरी ये हाँ आगे बढ़े वन पॉइंट वन टू टू का क्यूब फोर का क्यूब सिक्स का क्यूब एट का क्यूब टेन का क्यूब ट्वेल्व का क्यूब दैट इज वन सेवन टू एट वन ट्वेंटी वन है थ्री फोर्टी थ्री है वन ट्वेंटी वन स्क्वायर है बाकी देखो सब क्यूब है सेवन इलेवन थर्टीन वन ट्वेंटी वन नहीं होगा ठीक है प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री का मल्टीपल होना चाहिए मेरे हिसाब से तो सब थ्री का मल्टीपल है ट्वेंटी एट है। इसको छोड़ के थर्टी थ्री थर्टी एट फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर सेवेंटी टू सब थ्री का मल्टीपल है इसको छोड़ के टेन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी वन सिक्सटी सेवेंटी एटी। एवरीथिंग इज द मल्टीपल ऑफ फाइव एक्सेप्ट फोर्टी वन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर एटीन ट्वेंटी सेवन तो इसका और इसका इसका और इसका सबका रेशियो शुड बी 1.5 लेकिन 9 और 18.5 का रेशियो 1.5 नहीं आ रहा है तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है इन टू वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थ्री इंटू वन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई थ्री अगर इंटू वन पॉइंट फाइव करेंगे तो दिसंट फाइव तो क्या हो गया एटीन पॉइंट फाइव देखिए जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा ना मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड है नोट कर लीजिए आप जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा एंड द साइन इज सेम इसका मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड का चक्कर है ठीक है अगर आप ये देखोगे आराम से अंडरस्टैंडेबल है देख के क्लियर हो जा रहा है कि प्लस ट्वेंटी हुआ है Yes सर तो ये सब तो एफओडी निकाल के क्लियरली हो जाएगा। जब एफओडी निकालोगे उसी में आ जाएगा ना प्लस ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी तो तो ट्वेंटी तो. भी एफ का सम है ऑल ऑर्डर डिफरेंस जब देख के कुछ क्लियर नहीं होना सबसे पहले आपको क्या निकालना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस अब इसे यहां पे देखिए प्लस फाइव प्लस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा एटी वन ठीक है तो आपको ज्यादा नहीं जितना भी सोल्व एग्जाम्पल है वो सारा करना है ठीक है सोल्ड एग्जाम्पल्स कितना तक है सेट बस सेट सिक्स तक कंप्लीट करना आपको ठीक है नोट कर लीजिए कंप्लीट टिल सेट सिक्स ठीक है जिसको जो भी डाउट आएगा हाथों हाथ में को व्हाट्सएप कर देगा ठीक है एंड uh, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट सीरीज से ओके सर ठीक है ओके सर चलिए Thank you so much, sir.